इब्राहिम मस्जिद, इसके बैक साइड में हबशी बैरक। हबशी बैरक के साइड से आप जो है ऊपर गए थे पिछली बार, ये फोर्थ वाटर रिजर्वेशन टैंक। अभी हम यहाँ से जो है ये नीचे उतरने वाला रास्ता, वो वाला रास्ता है, सीधे डायरेक्ट चले जाएंगे। और ये रास्ता है, ये रामदास जेल है, और बैक साइड में पैलेस। और ये स्लोप वाला रास्ता और ये पब्लिक वाला रास्ता, ये थर्ड वाटर रिजर्वेशन टैंक। थर्ड वाटर रिजर्वेशन टैंक और ये वाला हिस्सा है असला खाना। और ये वाला हिस्सा है जहाँ पर पानी गर्म करके दुश्मन जब हमला करता था, यहाँ से पानी गर्म करके ऊपर ले जाते और यहाँ से जो है वो दुश्मन के ऊपर पन डालने के लिए। और ये वाला जो दीवार है उस, ये वाला जो दीवार है ये कर्टन वॉल है। जब कोई दुश्मन हाथी से हमला करेगा तो टर्न हो जाएगा, तो उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। अगर फिर भी कोशिश करेगा तो तेल ऊपर से डाल के, गर्म तेल गर्म पानी, ताकि वो कामयाब ना हो सके। ये है अकन्ना मादन्ना रिकॉर्ड ऑफिस। ये जो गैप दिख रहा है अकन्ना मादन्ना रिकॉर्ड ऑफिस, ये है एंट्रेंस गेट, जहाँ पर क्लैंपिंग करने से ऊपर में आवाज़ सुनाई देती है 7 फीट के अंदर में सेंटर में से। अच्छा, ये वाला जो बैरक है ये तेरे नाम फिल्म में जो है पागल खाना जो बनाया गया था, ये लेफ्ट साइड वाला बैरक है। यहाँ पर शहजादे शहजादियों को झूला झूलने के लिए नीचे अंदर के हिस्से में पानी भर के झुलाया जाता, तो पानी में जब पैर लगते तो ठंडा भी रहता और जो है सेफ्टी भी रहती। और इस तरफ वाला जो हिस्से जो आपको छोटे छोटे गार्डन का हिस्सा नज़र आ रहा, ये है नगीना बाग। नगीना यानी डायमंड की मार्केट हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया नगीना बाग। जब भी नीचे से आएंगे यहाँ पर वॉशरूम है, वॉशरूम से फारिग होकर ऊपर आएंगे और इस तरफ में जो है आपको वॉशरूम मिलेगा। यहाँ से फारिग होकर आप ऊपर आएंगे, ठीक है। जब मैं नीचे से वीडियो बनाऊंगा तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाते हुए यहाँ से ऊपर लेकर आऊंगा, कि जो स्लोप वाला रास्ता है यहाँ से, ये वाला जो स्लोप का रास्ता है ये इस तरीके से जाते हुए ये एम्प्टी डोर के पास जो है मिलेगा यहाँ पर। ये एम्प्टी डोर में जब नीचे से वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। बादशाह लोग को जब जो है मरने के बाद वसूल दिया जाता और जनाजे की नमाज़ पढ़ानी वाली हो, जनाजे की नमाज़ पढ़ानी होती, तो यहाँ पर ये इस मस्जिद में जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाती। और यहाँ पर बैक साइड से जो है एक डोर होता, वहाँ से जो है पीछे के दरवाजे से लेकर जाया जाता जनाजे को 7 टॉम्स शाही कब्रस्तान। और ये एंट्रेंस गेट के लेफ्ट साइड में जो झाड़ के पीछे के हिस्से में, या शायद यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, वहाँ पर गुसल करने के लिए, मैयत को गुसल देने के लिए जगह है, सारा कुछ बना हुआ है। और इस झाड़ के नीचे, ये बड़े वाला झाड़ के नीचे जो है आपको 240 kg का स्टोन है, लोहे का बना हुआ, जिसके अंदर 3 कट है। ये 240 kg का स्टोन आर्मी में जॉब के लिए, जब किसी को जॉब चाहिए होती है वो उसको एक हाथ से उठाकर देना, उठाकर दिखाना होता,
उसका टेस्टिंग इंटरव्यू होता प्रैक्टिकल, और आम तौर पर उसको जो है बट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता, जो तराजू में रख के इस्तेमाल किया जाता है, 240 केजी का बट तराजू में रखकर इस्तेमाल किया जाता अनाज तोल के देने के लिए। जब आर्मी में किसी को जॉब मिल जाता इस तरीके से, तो उसे तीन तरीके से जो है तीन चीज़ें दी जाती, रोटी कपड़ा मकान। सिक्स हो गया, तो मैं जब नीचे से बनाऊंगा सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर एंड करता हूँ।